बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे हिंदू जो गर्ल्स स्कूल है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे नौजवान हमारी बच्चियों से, हमारी बहनों से मिलने का अवसर मिला। ये हमारा भविष्य है और मैं इन्हें शुभकामनाएं देता हूँ, आगे बढ़ें और खूब नाम रोशन करें, अपना, अपने परिवार का, अपनी स्टेट का, अपने देश का। आज कहाँ का आयोजन है? आज जननायक जनता पार्टी की 9 दिसंबर को रैली है, स्थापना दिवस रैली। आप सब इस बात को जानते हैं कि JJP 9 दिसंबर 2018 में बनी थी। जो पौधा लगाया था वो वटवृक्ष का रूप धारण कर रहा है, उसको और सींचने के लिए, मजबूत करने के लिए हम सबको न्योता देने आए हैं, इनविटेशन देने आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि कैथल जैसे हर वक्त बड़ी भागीदारी कैथल की रही है, इस बार भी सवाया कर करके यहाँ के लोग उस बड़े आयोजन में शामिल हैं। आज उप मुख्यमंत्री ने आना था सर, लेकिन हम प्रश्न आपसे ही करेंगे कि आप आगे पहुँचा देंगे। कैथल में घोटाले लगातार दबाए जा रहे हैं, पहले 20 करोड़ की गेहूं का घोटाला दबा दिया गया, अब सरपंचों की फर्जी डिग्री की मामले की जांच है, कैथल प्रशासन पूरी तरह से घोटालेबाजों के दबाने में लगा हुआ नहीं है। अगर ऐसी बात है, अगर इसके कोई तथ्य हैं, प्रमाण हैं, तो गलत है, बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए और प्रशासन को इस पर ज़रूर लगाम लगानी चाहिए। अगर कोई इस तरह की संज्ञान में हमारे आएगी, हम ज़रूर मुख्यमंत्री साहब से, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। सर, हमारा JJP के विधायक ने अपना गोला चुका है जी, क्या गोला चीका का पूरा बिजनेस पटियाला चला गया, क्योंकि इतने लंबे टाइम से सड़क ही नहीं बन पा रही क्या? नहीं, वो अब देखिए, उसका सिर्फ वो टेंडर प्रोसेस में मेरे हिसाब से पूरा हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, सिर्फ बनने की उसकी शुरुआत की देरी है, आगे वो सड़क का कार्य जल्दी शुरू हो जाए। पंचायती राज संस्थाओं की कल सभी ने शपथ ले ली है, काम प्रोग्रेस काफ़ी टाइम से रुका हुआ था, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कोविड सबसे बड़ा हैजर्ड रहा और कोविड के बाद क्योंकि टेन्योर पूरा हो गया, तो वो जो काम सरपंचों ने करना था वो तो नहीं कर पाए और एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों के हाथ में कमान चली गई, तो उससे प्रोसेस स्लो हो गया। इसीलिए डेमोक्रेसी की जो वो है, कहते हैं कि इसकी चमक यही होती है कि चुने हुए नुमाइंदे जो हैं उनको हर 5 साल में लोगों के पास दोबारा जाना है, इसलिए वो ज़्यादा काम को तवज्जो देते हैं। अब ये चुने हुए नुमाइंदे आए हैं, ये काम को तवज्जो देंगे और आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो पिछले 3 साल का बैकलॉग है उसको अच्छी तरह भर पाएंगे। 300 स्टूडेंट्स की आवाज़ हमेशा से उठाती आई है, MBBS के साथ लंबे समय पूरी तरह खुल के साथ हैं, MBBS के स्टूडेंट्स के साथ हैं, हमारा खुला समर्थन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंसो के जो है प्रदीप देसवाल जी, उन्होंने ये बात का ऐलान पहले ही कर दिया, जहां किसी मोड पर भी MBBS स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि हमें उनके साथ जाकर के बैठना है या उस पूरे मुहिम में शामिल होना है, हम उसके लिए तैयार। कल रणदीप सुरजेवाला ने इसी पे बयान दिया है कि अनिल विज कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, नूरकश्ती चल रही है। सरकार के अंदर एक राय होनी चाहिए, सरकार और कैबिनेट विशेष तौर पर जो है ना, ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है, अगर उसके अंदर कहीं भी इस तरह की नज़र आएगी तो उससे गलत संदेश जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सरकार को सभी मांगे MBBS छात्रों की मान लेनी चाहिए, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अब कोई पढ़ाई करता है, कल को सरकार ये थोड़ी कह देगी इंजीनियर है तो उसको भाई हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग 7 साल नौकरी करनी पड़ेगी, मेरी समझ से परे है। ठीक, चलो ठीक, थैंक यू।